और एक और बड़ी खबर सवाई माधोपुर से सामने आ रही है। बामनवार से ये खबर है जहां पर एक महिला बोरवेल में गिर गई है। 90 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। महिला को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। मेडिकल टीम ने बोरवेल में ऑक्सीजन की नली भी डाल दी है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर होती रहे और महिला की जान बचाई जा सके। सवाई माधोपुर जिले के पिपलाई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर रामनगर ढोसी गांव स्थित खेत में बने कच्चे बोरवेल में महिला जा गिरी। अचानक से महिला गिर गई। कच्चे बोरवेल में गिर जाने से महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महज ऑक्सीजन की नली बोरवेल में डाली गई है। ये बोरवेल 90 से 100 फीट तक गहरा बताया जा रहा है, यानी कि रेस्क्यू में थोड़ा और वक्त लग सकता है। ग्राम पंचायत में जेसीबी मशीन को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन तकनीकी दिशा निर्देशों के अभाव में अभी तक खुदाई का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की, जहां पर 90 फीट गहरे बोरवेल में एक महिला जा गिरी है। पड़ी कपड़ों वहां में पड़ी और वो मिली को नहीं हमने, फिर पता को घर पार बताई हमने, घर पार सूचना करके बाद में मिली को नहीं हमने, सबड़ा ढूंढ लिया वाके बाद में हमने पता को नहीं। बोरवेल के पास चप्पल मिली, उसके बाद में ना उसके अंदर हमने जब देखा उसके अंदर टॉर्च वगैरह जलाते तब जाके हम थोड़ा सा लगा के इसके अंदर ही गिरी है। फिर हमने इनको पुलिस प्रशासन को फोन करके इनको बुलाया। सर, ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी और 3-4 ट्रैक्टर चाटी के साथ उपलब्ध करवा रखी हमने यहाँ पर, और हमने रस्सी वगैरह और लाइट के लिए टेंट वाले से हमने लाइटों की व्यवस्था कर रखी है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, लेकिन टेक्निकल टीम के अभाव में ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि किधर से खोदना है, इसकी किधर से खुदाई करनी है, कैसी व्यवस्था। हमारी ग्राम पंचायत तरफ से कोई कमी नहीं है, सारे संसाधन उपलब्ध करवा रखे। गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, टेक्निकल टीम का अभाव बताया जा रहा है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से शुरू हो सका है? और ये भी बताइएगा महिला सुरक्षित है या नहीं, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या? जी देखिए, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ढिलाई बरती गई है अपने आप में कहने वाली बात है कि जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा ठीक समय पर और बहुत ही त्वरित प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू नहीं किया जा सका। 1 बजे जिला प्रशासन को पता लगा था, पुलिस प्रशासन को पता लगा था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को और एनडीआरएफ की टीम जब तक मौके पर नहीं पहुंची तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सका। महज एक टॉर्च डाल करके और एक मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग डाल करके और ये देखा गया था कि इसमें महिला मौजूद है अथवा नहीं या क्या स्थिति है उसकी, तो ऐसे में महिला का केवल हाथ दिखाई दिया लेकिन किसी तरीके का मूवमेंट है वो दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि महिला की स्थिति बोरवेल के भीतर क्या होगी, लेकिन मैं ताजा अपडेट आपको ये बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम अभी मौके पर पहुंच गई है और संयुक्त रूप से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे गति दी जा रही है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही मायने में अब जाकर के शुरू हुआ है। जेसीबी की जो जेसीबी मशीन है वो मौके पर आ गई है। इसके अलावा बड़ी जो मशीन है उस एलएनटी मशीन है उसको भी बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से शुरू हो चला है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक महिला बोरवेल में गिर जाती है और वहां पर टीम देरी से पहुंचती है। आप नजर बना रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।